जेफरी डिगलसन लैंडलिंग्स की आखत अदा कर दी गई हैं। आखिरी रसूमात में कोर कमांडर लाहौर माजिद एहसान, कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही, वजीर दिफा परवेज खटक ने आखिरी रसूमात में शिरकत की। एजिसन कॉलेज के तलबा भी आखिरी रसूमात में शरीक हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं, मनाजर भी दिखा रहे हैं। एजिसन कॉलेज लाहौर के आनजहानी उस्ताद जेफरी डिगल लैंडलिंग्स की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। और आपको ये भी बताएं कि आखिरी रसूमात में कोर कमांडर लाहौर माजिद एहसान, कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही, वजीर दिफा परवेज खटक ने आखिरी रसूमात में शिरकत की, जबकि एचएसएन कॉलेज के तलबा भी आखिरी रसूमात में शरीक हुए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जेफरी डिगलसन लैंडलिंग्स की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। एचएसएन कॉलेज लाहौर के आनजहानी उस्ताद थे और आखिरी रसूमात में कोर कमांडर लाहौर माजिद एहसान, कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही, वजीर दिफा और दीगर ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सालिक नवाज से, जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। सालिक, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल जेल वार्ड पर वाकई गोरा कब्रिस्तान में जो एचिसन कॉलेज के प्रोफेसर हैं आनजहानी जेफरी डिगलस, इनकी आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद यहां पर इन्हें सपोर्ते खाक किया जा रहा है, जबकि इस मौके पर जो वजीर दाखिला हैं के परवेज खटक, मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन, साबिक सूबाई वजीर तलीम मियाँ इमरान मसूद समेत दीगर जो जिंदगी के शोभा जात से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जबकि इस मौके पर चित्राल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई और फूल चढ़ाए गए। और अभी जो दवाइयां तकरीब है वो जारी है और सपोते खाक इन्हें प्रोफेसर को यहां पर किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सारिक नवाज़।